आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं वो चैप्टर है हमारा वो टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन और फ्रिक्शन को जानने से पहले नॉर्मली हम लोग इसके बारे में डे टू डे हमारे लाइफ में भी हम इन चीज़ों को जानते हैं कि फ्रिक्शंस का मीन्स नेचर कैसा है वैसे समझने के लिए क्या होता है कि फ्रिक्शन के बारे में हमारे माइंड में एक साइकोलॉजी होती है कि फ्रिक्शन का मतलब जो मोशन को अपोज करता हो लेकिन ऐसा नहीं है ये बहुत सारे एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं मीन्स आप कहीं पे आप देखोगे फ्रिक्शन मोशन को अपोज भी करता है और कहीं फ्रिक्शन मोशन का रीजन भी है जैसे सपोज मान के चलो कोई ट्रक है हमारा कोई ट्रक है यहाँ पे और इस ट्रक पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ठीक है और ये ट्रक इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है यदि इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होता यदि तो ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होती तो फिर ये ऑब्जेक्ट को साथ लेके नहीं जा पाता मीन्स फ्रिक्शन है जिसकी वजह से ये इसके साथ जा पा रहा है इट मीनस मैं यदि इस ऑब्जेक्ट के मोशन का रीजन पूछूं क्या है तो हम लोग कहेंगे इस ऑब्जेक्ट के मोशन का रीजन है फ्रिक्शन ओके okay? तो क्वेश्चन है हमारा ये कि फ्रिक्शन अपोज किसको करता है तो फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है तो इसीलिए हम यहां पे कहेंगे इट अपोजेज इट अपोजेज रिलेटिव मोशन ओके नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये मोशन और रिलेटिव मोशन के बीच का डिफरेंस क्या है ओके okay. उसको एक बार हम लोग समझते हैं वैसे मोशन के बारे में कहा जाए तो मोशन अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए सपोज ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर में हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया और फोर्स में इस पर लगा रहा हूं ओके okay? फोर्स मैं यदि इस पे लगा रहा सरफेस यदि फ्रिक्शन लेस होता इसको मैं वन और इसको मैं टू मान रहा हूं सरफेस यदि फ्रिक्शन लेस होता तो यहां होता क्या टू आगे चला जाता और वन पीछे छूट जाता ओके okay? तो टू का ऑब्जर्वर वन को किधर जाते हुए देखता टू का ऑब्जर्वर यदि वन को जाते हुए देखता यदि यह सर्फेस फ्रिक्शन फ्रिक्शन लेस होती तो टू के ऑब्जर्वर को वन लगता मीन वेलॉसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू वो लगता जैसे इधर की तरफ जा रहा है और मैं यदि इस ऑब्जर्वर की बात करूं कि वन के लिए टू का मोशन किधर लगता तो हम कहते कहीं ना कहीं वेलॉसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन वो हमारा इधर की तरफ होता ओके okay. मींस यहां से एक पॉइंट हमें समझ में आ रहा है कि जैसे ऑब्जर्वर हमारा यदि ये, ये है ऑब्जर्वर यदि हमारा टू है और वो वन को देख रहा है वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू मींस ऑब्जर्वर यहां पे ये जो है हमारा ऑब्जर्वर है किसको देख रहा है वन को यहां पे कि कौन ऑब्जर्वर है वन ऑब्जर्वर है देख किसको रहा है टू को तो आप यदि देखोगे रिलेटिव मोशन की मैं बात करूं इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन पीछे की तरफ है यही रीजन है कि जब फ्रिक्शन की बात आएगी कि वन पे फ्रिक्शन लग रहा है तो वन पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा ओके okay? टू की मैं बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वन वन के रिस्पेक्ट में यदि मैं टू को देखूं तो यह मुझे लगेगा इधर की तरफ जा रहा है इसका मतलब टू पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन कहीं ना कहीं ये होगा। तो रिलेटिव मोशन सबसे बेसिक यहां हमें समझ में आया कि फ्रिक्शन को यदि हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहला फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को और यदि ये, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है तो हमारा सबसे पहला काम है रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को फाइंड करना अब मान के चलिए सपोज ऐसे सिनेरियो हो हमारा कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ये है वन और ये नीचे में हमारा टू और फिर से मैं कह रहा हूँ कि अब फोर्स मैंने इस पे लगाया है और अब फोर्स मैं यदि यहाँ पे लगा रहा हूँ और सरफेस यदि हमारा फ्रिक्शनलेस होगा तो अगेन फिर से मैं यदि मोशन की बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि हमारा यहाँ पे ये वन है और यहाँ पर ये हमारा टू है ओके मीन्स फ्रिक्शन लेस यदि सरफेस है तो वन की वेलोसिटी टू के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ होगी मीन्स यहां पे आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इधर की तरफ यहां पे मैं इसकी बात करूं टू की वेलोसिटी की बात करूं वन के रिस्पेक्ट में सरफेस यदि फ्रिक्शन लेस होगी तो वन को ऐसे लगेगा जैसे टू पीछे की तरफ जा रहा है मीन्स वेलॉसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में ओके okay? तो यहां से एक बात समझ में आया है कि मुझे यदि वन पे फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है तो एक्चुअली टेंडेंसी इसकी इधर है इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा इसकी टेंडेंसी इधर है इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा इसके बेस्ट एग्जांपल हमारे पास दूसरे भी हैं जैसे सपोज मान के चल मान के चलते हैं हम लोग साइकिल की बात करते हैं साइकिल में दो व्हील होता है एक पीछे का व्हील और एक आगे का व्हील ये रहा हमारा पीछे का व्हील और ये रहा हमारा आगे का व्हील ये किसी सरफेस पे चल रहा है और हमें यहां पे फाइंड करना है ये किसी सरफेस पे चल रहा है और हमें फाइंड करना है फ्रिक्शन का डायरेक्शन ओके तो अगेन यहां पे आ, हम सबको पता है कि जो साइकिल होती है साइकिल में हम लोग पीछे के व्हील को कहीं ना कहीं रोटेट कराते हैं और आगे के आगे के व्हील को हम रोटेट नहीं कराते हैं वो फोर्स की वजह से रोटेट कर जाता है तो सपोज ऐसा सिनेरियो हो कि जैसे सपोज हमारी ये साइकिल है और साइकिल का ये पीछे का व्हील है और मैं इसको सरफेस से ऊपर उठा दूं तो ये इस तरह से मोशन करेगा सरफेस में यदि फ्रिक्शन लेस होगा तो क्या होगा हम पैडल चला रहे हैं साइकिल की ये वाली जो व्हील है ये वाली व्हील ये घूमे जा रही है आगे बढ़ नहीं रही है मीन्स

इस पे डायरेक्शन होगी वो कहीं ना कहीं आगे की तरफ होगी और हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीछे वाले व्हील की आगे वाले व्हील की मैं यदि बात करूं तो आगे वी वाले व्हील में हम सबको पता है कि हम इसके सेंटर पे फोर्स लगाते हैं हम इसके सेंटर पे फोर्स लगाते मींस ये यदि सरफेस फ्रिक्शन लेस रहा तो ये वाली जो व्हील है ये वाली जो व्हील है ये हमारा बैक व्हील है और हम बात कर रहे हैं फ्रंट व्हील की फ्रंट व्हील का ऐसा है कि यदि सरफेस फ्रिक्शन लेस होगा तो ये सीधा आगे जाएगी घूमने का काम तो पीछे का व्हील करता है सीधा आगे जाएगी मतलब मीन्स आप ये कहोगे कि ये वाली पॉइंट आगे की तरफ जाएगी इसको मैं यदि फिर से वन और टू कहूं तो मैं कहूंगा यहां के केस में ये वाली पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ ऑफन विद रिस्पेक्ट टू टू और यही रीजन है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन पीछे होगा तो यहां से हमें एक पॉइंट समझ में आया कि साइकिल जो होती है बाईसाइकल जो होती है उसके पीछे वाले व्हील पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहीं ना कहीं आगे की तरफ तो आगे वाले व्हील पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहीं ना कहीं, कहीं पीछे की तरफ और ये सारी चीजें ये सारे डायरेक्शन जो हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं ये सारे डायरेक्शन हम फाइंड कर पा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी से हमें हमारा पहला काम यहां पे हो रहा है रिलेटिव वेलोसिटी को फाइंड करना ओके okay? अब हम लोग नेक्स्ट एक और केस देख लेते हैं जैसे सपोज फोर्थ हमारा केस है कि हमारे पास एक व्हील है ओके okay? और ये व्हील इस डायरेक्शन में इसकी रेडियस कुछ हमने ले लिया आर वन और ये इस डायरेक्शन में ओमेगा वन से घूम रहा है और एक और व्हील है यहां पे जो इसके कांटेक्ट में जो इसके जस्ट कांटेक्ट में और इस व्हील की जो वेलोसिटी है वो भी इस डायरेक्शन में है ओमेगा टू है और ये इसका रेडियस आर वन है सॉरी आर टू है और हमें पता है आर वन ग्रेटर यहां का जो सीनेरियो है ये वाली जो पॉइंट है ओके okay? ये वाली पॉइंट में इधर को वन दे देते हैं और इधर को टू दे देते हैं ओके okay? अगेन यहां पे मैं यदि v1 की बात करूं तो v1 होगा ओमेगा वन आर वन और v2 की मैं बात करूं तो ये होगा ओमेगा 2 टू r2 टू। अब फिर से यदि हमारा v1 ग्रेटर देन v2 हुआ v1 ग्रेटर देन v2 हुआ मेंस इस ऑब्जर्वर को लग रहा है जैसे कि ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इस पॉइंट की वेलोसिटी ये है वन ये है टू इस इसकी वेलोसिटी v1 की वेलोसिटी v2 से बड़ी है तो यहां पे हम कहेंगे इसके रिस्पेक्ट में ये कहीं ना कहीं इधर जा रहा है इसका मतलब इस वन पॉइंट पे इस वन पॉइंट पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा और इस टू पॉइंट पे इस टू को जब आप देखोगे मीन्स वन देखेगा तो उसको लगेगा जैसे पीछे जा रहा है तो उस पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहीं ना कहीं इधर की तरफ होगा और यही रीज़न है कि हम कहते हैं कि जब इस तरह के सीनेरियो होते हैं तो जिसकी वेलोसिटी इस पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका वेलोसिटी कम होगा जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा ओके? Okay? तो यहां से हमें एक पॉइंट समझ में आया कि किस तरह से फ्रिक्शन जो है हमारा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे इसको मैं मिटा रहा हूं इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे यहां पे फ्रिक्शन जो है हमारे फ्रिक्शन तीन तरह के हैं। एक है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन एक है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। नॉर्मली हम कहते हैं कि फ्रिक्शन के तीन पार्ट्स, तीन तरह के फ्रिक्शन है एक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन दूसरा हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन और तीसरा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन